1 and 100. ओके, अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर ग्रेटर है, क्योंकि ये 3 digits में आ गया. ओके, ये 3 digit नंबर है. तो आपने सबसे पहले कंपेयर करना है किसको, बिगेस्ट यूनिट. बिगेस्ट यूनिट यहाँ पे कौन सी है, 100 है. आपने 100 को कंपेयर करना है. यहाँ पे 100 कितने हैं, 1s, और यहाँ पे 100 कितने हैं, 3. तो जितने ज़्यादा 100 होंगे जिस नंबर में, 100 जितने ज़्यादा होंगे वो आपका बिगर नंबर होगा. यहाँ पे 100 3 है और यहाँ पे 100 1 है, इसलिए ये वाला नंबर आपका बिगर नंबर होगा. वो क्रोकोडाइल का ओपन माउथ इस साइड का. ओके, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. हियर इज द सेकेंड एग्जाम्पल, 271, 290. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट 1s 10s 100. ओके, यू हैव टू कंपेयर फ्रॉम द 100. आपने 100 से कंपेयर करना शुरू करना है. यहाँ पे 102 है और इसमें भी 102 है. दिस इज द केस. ओके, जहाँ पे आपके यूनिट में दोनों नंबर सेम आ जाए, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे भी 200 है, तो आपने नेक्स्ट नंबर कंपेयर करना है. नेक्स्ट क्या है आपका, टेंस. आपने टेंस कंपेयर करना है दोनों नंबर्स में. यहाँ पे टेंस 7 है और यहाँ पे टेंस क्या है, 9. ओके, यहाँ पे 100 आपका दोनों में 2 था, तो आप इसको छोड़ देंगे, आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते. यहाँ से आपको पता नहीं चल सकता कौन सा नंबर बिगर है, इसलिए आप नेक्स्ट यूनिट पर आ जाएंगे. आप दोनों में टेंस को कंपेयर करेंगे, जिसका टेंस ग्रेटर होगा वो नंबर आपका बिगर नंबर होगा. यहाँ पे टेंस 7 और यहाँ पे टेंस क्या है, 9. ओके, तो बिगर नंबर कौन सा होगा जिसमें टेंस ज़्यादा है. तो क्रोकोडाइल कौन सा नंबर खाना पसंद करेगा, 290 एज कम्पेयर टू 271. ओके, दिस इज द अनदर केस. फॉर एग्जाम्पल टेकिंग एनी नंबर 147 142. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट 1s 10s 100. ओके, स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द बिगेस्ट यूनिट. बिगेस्ट यूनिट यहाँ क्या, 100. आपने 100 को कंपेयर करना है. इसमें 100 कितना है, 1, और यहाँ पे 100 कितना है, 1. सेम हो गया, इसलिए हमें नेक्स्ट यूनिट पे मूव करना पड़ेगा. नेक्स्ट यूनिट टेंस है. टेंस यहाँ पे क्या है, 4, और यहाँ पे क्या है, 4. नेक्स्ट यूनिट भी सेम है, अभी 100 भी दोनों में सेम है एंड टेंस भी दोनों में सेम है. देन वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट.